बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र से आज की अपनी छोटी सी वीडियो का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा जी, ये जो मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने तमीर करवाई थी अपने एक आउट कंट्री वाले भाई के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अल्लाह ताला खैर करे इस मस्जिद का हम इफ्तिताह करने लगे हैं। वैसे अभी काम तो इसका कुछ रहता भी, लेकिन चलें ये नमाज़ पढ़ने के लिए और बच्चों के पढ़ने के लिए ना हमने कहा इसको शुरू कर खोल देते हैं। बाकी अल्लाह खैर करे सफ़ें और कुरान पाक, सपारे वगैरह, टोपियाँ, तस्बियाँ या नमाज़ें, वो सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह जो है ना वो मस्जिद के अंदर ला कर रख दी हैं। और आज इंशाल्लाह इधर लंगर का भी इंतज़ाम किया है, वो आप मेरे पीछे देखें अल्हम्दुलिल्लाह का हमने देख भी इधर बिरयानी की बनाई है। तो हमारे गांव के जो राजा जी हैं नसार भाई, वो पहुंच गए थे सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। तो गांव के बच्चे और ये जो नज़दीक डेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इधर पहुंच गए हैं। वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह भी कुरान पाक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो लंगर तैयार होता है बिरयानी की देख, तो इंशाल्लाह फिर उन बच्चों को भी खिलाते हैं। बड़े बुज़ुर्ग हमारे वो भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इधर पूरी एक महफ़िल बनाएंगे, महफ़िल मिलाद का छोटा सा हमारा प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों के भी के लिए भी दुआ कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। बाकी आगे के जो भी सीन होंगे इंशाल्लाह वो भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जितने भी गांव के मेरे यूट्यूबर हैं सबको मैंने इधर दावत दी हुई है कि मैं शाहद भाई हो गए, आबदवीर, उस्मान, तलहा भाई, यानी कि जितने भी माँ बेटी चैनल वाले, बिलाल भाई, सारे जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैंने कहा है। आसफ़ भाई हैं हमारे, आसफ़वीर, वो भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उन सब से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह हमारी वीडियो के साथ जुड़ रही है, इंशाल्लाह जैसी जैसी भी सूरत हाल होगी सब इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। गर्मी बहुत थी तो पानी ठंडे का इधर मसला था, तो बर्फ़ हमने जो है ना वो मंगाई है, ये पानी का टप जो है ना एक भर दिया। ओए राम ना, तुहाड़े कोल नहीं चक्या जाना, एक मिनट तुहाड़े कोल नहीं चक्या जाना, बर्फ़ डाल कर पानी जो है ना मिले। गर्मी यकीन करें कल भी बहुत थी और आज भी बहुत शिद्दत से गर्मी जो है ना शुरू हुआ। और इस साइड पर जो है ना निसार भाई ने देख जो है ना वो तैयार किया है, बस इसको दम अभी लगाया हुआ है। तो इंशाल्लाह बस 10 मिनट तक इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं लंगर का इंतजाम। निसार कह रहे हैं 10 मिनट लग जाएंगे, और निसार भाई कह रहे हैं 10 मिनट लगेंगे। और हमारे जो मिस्त्री भाई हैं जो मस्जिद तमीर कर रहे थे, वो जो पहले वाले उनको तो गर्मी का झटका लगा, वो तो आ नहीं रहे अभी। ये भाई रमज़ान है हमारे, तो ये काम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो काम रहता है वो इंशाल्लाह भाई रमज़ान शुरू करेंगे। इधर छाँव में आकर बैठे हुए हैं। सामान ले आंदा है चाचा? अच्छा बच्चे एक परात लिया, अखबानी वे पाओ, परात लिया पुत्र, उतो वी 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 जी थले थले पई है, वी परात लियाओ। शाबाश शाबाश, हाँ लै लै ऐ बिच ना छापर जो खुबानियाँ परात दे करो, तो ठंडा पानी दे पाओ। महीने बहुत अकड़ा बुकड़ा नहीं मुक जाना यार, बड़ी प्यास लगती है। थलो तो मिट्टी वाले ना हो, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई, नसारे तैयार है बिल्कुल बिल्कुल तैयार, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ओहो हो हो अगो गर्म होया तो कैमरा भी काम करना छड़ गया, हीट पई है ना अगो। चलें जी माशाल्लाह, अभी वफ़कारी साहब हमारे आ जाते हैं, हाफिज़ साहब तो इंशाल्लाह ख़त्म पढ़ते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बच्चों को जो है लंगर शुरू करा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव वाले और डेरों वाले वो भी आ गए हैं, और आबद भाई और बाकी हमारे गांव के जो माशाल्लाह जो छोटे बड़े यूट्यूबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह भी बस जो है ना कुछ और लोगों का इंतज़ार है, वो भी पहुंच जाते हैं, और कारी साहब हमारे जो हाफ़िज़ साहब हैं वो भी इंशाल्लाह भी पहुँचते हैं। तो इंशाल्लाह बस फिर महफल एक छोटी सी महफल मिलाद बनाते करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे के जो भी सीन होंगे वो भी इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो काइंडली हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखें जी कैमरे वगैरह जो हैं ऑन हैं, आज काफ़ी जो चैनलों पर इसकी वीडियो बननी है। तलहा की हाल है? ठीक ठाक भाई। ऐ की डांग फड़ी है उस्मान, हाथ भाई तू
लकड़ जो बहुत जरूरत हो यकीन कर कान फसा के मैं बना रखना महंगी बड़िया ने यार बड़ी वी आई पी किस्म की माशाल्लाह बड़ी ये ऊपर बटन भी लगे हुए हैं रिमोट सिस्टम आना बिल्कुल तो सही है क्या बात है क्या बात है जी आसमान भाई है कितने दी आई स्टिक तुम्हारी भाई मतलब ये स्टिक जड़ी सी 17000 दी आई है जी पाकिस्तानी 17000 रुपए हजार दी है डॉलर दी नहीं नहीं हजारों दी बल्ले 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 भाई ये तू नहीं ले सकता है 17000 रुपए दी आई है जी क्या बात ये ली है जी ये बंदे बंदे जब ज्यादा होन ना तो कैमरा दूर हो जाता इधर हां ये तो है सारे कवर हो जाता सिस्टम ना मेरे तो बिल्कुल सिस्टम है रिमोट लगा हुआ है हां मैं देखे ना के बटन ये तो चल भी जाता बंद भी हो जाता चलो कि छां ते खड़े हो जाओ क्यों बुखार करना कल इथे मैं तो बेहोश हो गया एडी गर्मी दे विच इथे बहुत गर्मी है यार कि छां ते हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब पहुंचे हैं इस जगह ते कुरान पाक दी जितनी भी तिलावत हुई है जो भी खैरात दा लंगर दा इंतजाम और इंस्तराम किया गया है इस तमाम नु अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा या इलाह अलालमीन नबी करीम सहाबे अलौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सदका और तवस्सुल दे नाल बिलखसूस इस जगह ते या इलाह अलालमीन जो मस्जिद तमीर की गई है या अल्लाह इस मस्जिद दी तमीर दे अंदर जिस कदर भी दोस्त भैया ने दामे दिल में सुख ने जिस हवाले नाल भी तामनु फरमाए या इलाह अलालमीन उना दे जुमला नेक मकासिद पूरे फरमा या इलाह अलालमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदका और तवस्सुल दे नाल इस मस्जिद दी तमीर दे अंदर हिस्सा मिलाण वाले दे रिस्क दे अंदर कारोबार दे अंदर माल जान दे अंदर बरकत नाज़िल फरमा या इलाह अलालमीन उना दे जितने करीबी रिश्तेदार हकदार फौत शुदा ने उना नु जन्नत च आला मकाम अता फरमा या इलाह अलालमीन इस जगह नु आबादो शाद फरमा या इलाह अलालमीन इस मस्जिद नु आबादो शाद फरमा इस मस्जिद नु आबाद करण वाले नु आबादो शाद फरमा या इलाह अलालमीन अकल सलातो वसलाम दे सदका और तवस्सुल दे नाल तमाम हाजरीन दा चल के आना इस बाबरकत जगह ते अपनी हाजरी पेश करना इना वास्ते जरिया निजात बना या अल्लाह तमाम दे रिस्क दे अंदर कारोबार दे अंदर बरकत नाजल फरमा या इलाह अलालमीन अकल सलातो वसलाम दे सदका और तवस्सुल दे नाल बिलखसूस भाई मुजम्मिल ने जिस कदर मेहनत की है और इन्हों के नाल जिन्हों दोस्तों ने तावन किया या अल्लाह उन्हें तमाम दे रिस्क दे अंदर कारोबार दे अंदर माल जान दे अंदर बरकत नाजिल फरमा कारोबार दे अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की बरकत नसीब फरमा या इलाह अलालमीन अकल सलातो वसलाम दे सदका और तवस्सुल दे नाल तमाम आलम इस्लाम दी खैर फरमा जितने मुसलमान बीमार ने सबनु शिफाता फरमा जो बे औलाद ने उन्होंने नरीना सालेह औलाद नसीब फरमा या इलाह अलालमीन तमाम हाजरीन ते अपना खास फजल और करम नाज़िल फरमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमईन आ प्लेटां देओ यार निसार नु आ पईयां प्लेटां लेके आओ ना प्लेटां आ सारीयां ही ने निसार आ पर पईयां देओ देओ तला किथे आ एक मिनट आंदा तला वेचो आ प्लेट आ जी इथे फाड़ा है बच्चे आ गए चावल हाँ जी ओ ना यार रोई दा नहीं चमची तेरे में लिया देना लिया देना चमची मांग रहा है चमची लिया के दियो लिया देना भी लिया देना सारे द्रग भी ध्यान करी थले पैरों के कोले नहीं भाई शाह आ गए
हाँ जी वीर जी पहुंच आए हो। वालेकुम सलाम। हां हजे बस कम मैं यार इफ्तिताह कर दईए बच्चे बुचे पढ़ना हुंदा सुबह सुबह नमाज वगैरा कुरान पाक दा सबक अल्लाह पाक जिन्होंने काम कराया उन्होंने भी आमीन आमीन बहुत दवे अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दवे ते जेड़े मेरे वीर ने ए गर्मी दे विच काम करवाया एदा भी अजर अल्लाह पाक दी जात मेरे वीर दुआवां दी जरूरत है चाहत यार अल्लाह ताला हर किसी नूं तौफीक देवे किसी नूं तौफीक दे हां बिल्कुल जी थोड़ा रौनक लगी हुई बकरियां वाले भी हां जी माशाल्लाह बकरियां वाले मैं इन्हां नूं आवाज मारी मैं कहा आ जाओ यार तुसीं भी लंगर आके खाओ सारे माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे तरह मस्जिद आबाद रहेगी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह शाह शांत हो जा गर्मी बहुत है। अच्छा जी हमारे बहुत ही प्यारे ओनर साहब चावल खा लो ना सर अच्छा चलो ठीक है आ जाओ अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतज़ाम थे वो सारे मुकम्मल करने के बाद जो बाकी का सामान था जो वो हमने वापस भिजवा दिया रक्षा वाला भाई लेकर जा रहा है बाकी बच्चे भी अपने अपने घरों में चले गए हैं दोपहर का टाइम है बिल्कुल यकीन करें 11:30 का टाइम हो गया और ये देख पहुँच गया है बिल्कुल सर के ऊपर इतनी गर्मी है ना आज भी अल्लाह ताला बस माफ़ी दे भाई शाहद भाई तला इधर खड़े हुए हैं तो मोटरसाइकिल भी हमारे धूप पर ही हैं तो बस अभी निकलते हैं इंशाल्लाह घर की तरफ क्योंकि काम आज मस्जिद का नहीं होगा कल इंशाल्लाह मैं इसको शुरू कराएंगे अल्लाह ताला खैर करे ये जो थोड़ा बहुत इसका रहता है ये भी इंशाल्लाह करेंगे ईंटें वगैरह जो थी वो रक्षे वाला भाई ले आया था आज इधर पड़ी हुई हैं बाकी ये अंदर जो है ना ये सफ़ें भी ये जो पड़ी हुई हैं इनकी सफाई वगैरह करने वाली है वो अभी मैं करके ही जाता हूँ इंशाल्लाह सारी वो कुरान पाक पड़े हुए हैं सपारे हैं या नमाज पड़ी है वो भी सारी इंशाल्लाह तरतीब से इस जगह पर रख कर जाता हूँ तो बाकी ये थोड़ा सा काम है इंशाल्लाह ये कल अल्लाह ताला के हुक्म फजल व करम से इंशाल्लाह ये शुरू कराएंगे बाकी ये आगे भी सहन है जो इसका ये भी अभी सेट करने वाला है तकरीबन अभी ना 5 या 4 दिन और लग जाएंगे हमारे तो सिर्फ गर्मी की वजह से ना काम असल में हो नहीं रहा बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है अल्लाह ताला बस माफ़ी दे इतनी गर्मी है ना कि बस बंदा वैसे ही बेहोश होने को आ जाता है। ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरी आज की जो वीडियो ने पसंद आएगी अगर पसंद आए तो कहानी जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे तमाम बहन भाइयों को बार बार मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अभी हम जा रहे हैं जी वापस अपने घर में बहुत गर्मी है बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत गर्मी है तो हकीकत में बहुत गर्मी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़।